वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग निकल रहे हैं बुट्टी बोरी क्रॉस, बुट्टी बोरी पादरी ठाना क्रॉस के लिए, क्योंकि हर साल मई मंथ पे जाते हैं और हम लोग रेडी है। हम लोग वहाँ पे वेबदो क्रॉस और प्रेयर करने जाते हैं। तो आप ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे कि यहाँ से है वो कम से कम 42 किलोमीटर्स दूर और मस्त ऑसम एक नंबर पहाड़ है, मस्त ऊपर चढ़ेंगे और प्रेयर करेंगे और दिखाते हैं और कुछ कुछ जानवर भी दिखते हैं वहाँ पर। तो एक्साइटमेंट रहेगा ये ब्लॉग, तो आखिरी तक बने रहिए ब्लॉग में। और अभी मैडम बना रही है हमारे लिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट, वे ब्रेड लाए थे मीठा वाला, वो खाएंगे और एक कप चाय पिएंगे और फिर निकलते हैं। और घर पे सब रेडी हो चुके हैं, डैडी भी रेडी है, रोशन भी रेडी है और बस निकलना है रेडी होकर। चलो ताला वाला ले चुके हैं और तो लगा दिया है। हमारे झाड़ में लगे सुंदर सुंदर फूल, बस निकल रहे हैं। गाड़ी भी आ चुकी है, बैग वैग रेडी कर लिया है, पानी वानी की बोतल भी ले ली है बैग में और निकल रहे हैं। और हमारे माटी नगर में सुबह सुबह ऐसे ही मस्त जीसस के गाने बनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। गाड़ी आ चुकी है हमारी, रेडी सामने बैठो। कहाँ बैठ रही तू? गोदी में। तो आ जाओ फिर। मैं विंडो सीट। जा तू जा। जरो मम्मू ये पानी के बोतल डिक्की में रख सकते क्या? नहीं यहाँ पर, वहाँ पर रखेंगे बैग में। जरम खोल बोला। एक रहने दो ना, पानी पानी दो तो। चाय वैसा देश इसे रंग देश में। चलो थोड़ा खिड़की खोल दे जरोमा, थोड़ा तुम्हारे गोदी में थोड़ा रोमा मैं क्या भाभी के बस काम कर, लेट जा। सब बैठ गए हम लोग, बैठ जा मेरी गोदी में। नहीं थोड़ा नहीं, थोड़ा रुक जा, आ जा इधर। ये ओशन को हमारी गोदी में बिठा लिया है और निकल रहे हैं हमारे जरोम भाई साहब। जरोम भाई साहब थोड़ा आए बोलो हमारे पब्लिक को। मॉर्निंग। तो हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट हो गई है हमारी जर्नी और चलते हैं और रास्ते पे बताते जाएंगे आपको क्या क्या चीज़ है। अभी चल रहे हैं हम मानकापुर का पुलिया, जो एयरपोर्ट के भी जाता है, रेलवे स्टेशन के लिए भी जाता है और यहाँ से डायरेक्ट उतरेंगे LIC चौक, फिर LIC चौक से भरडी का पुलिया और सीधा हम एयरपोर्ट से चलते जाएंगे बुट्टी बोरी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया बुट्टी बोरी है कम से कम 42 किलोमीटर दूर यहाँ से। अभी पहुँच गए हमारी डेस्टिनेशन पर और मैडम भी उठ चुके हैं, सब उड़ गए, नींद हो गई है जिनकी और बढ़िया। हम अभी नीचे उतरते हैं और दिखाते हैं आपको एक ब्यूटीफुल सा पूरा सीनरी और ये उतर गए हम और ये हम मस्त पहाड़ों के बीच और हमको जाना है वहाँ पर ऊपर। और ये उतर गए हमारे घर वाले और ये जो आपको उधर साइड दिख रही है वो है डिवाइन प्रोविडेंस स्कूल, ये बुट्टी बोरी की बहुत फेमस स्कूल है और आजू बाजू पूरे पहाड़ी पहाड़ मस्त। और हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, थोड़ा लो लाइट है, हाँ यहाँ से अच्छा आ रहा है मस्त। और अभी जाना है हमको ऊपर, ऊपर चलते हैं, वाटर बॉटल वगैरह लेते हैं और चलते हैं ऊपर। और मस्त अभी जो घर से चाय लाए थे वो चाय पी रहे थोड़ा पकड़ते हैं और हमारे भाई को भी चाय दे रहे हम। ये टोपी लेके चल रहे हैं ना, ये देख यहाँ से लाए थे गाड़ी से जिन लोगों, अभी
टूटने हैं। पर वो तो वहीं रुका था तो हम लोग वहीं से पैदल पैदल आए, घर से आई थी नहीं तो यहाँ से आई थी। लेके चल रहे हैं कैप, धूप लगेगी ऊपर, लेके चलो। नीचे भी प्रूफ रास्ता का बनाया है। हाँ मैं तो ये देखी थी नहीं वाला, पर भी है यहाँ पर ही बनाया है पूरा। यहाँ पर आया हूँ वे ऑफ द क्रॉस करने के लिए और रैपलिंग, वहाँ पर भी पहाड़ है और यहाँ पर बहुत ही है, बहुत सारे जानवर भी हैं यहाँ पर, पर अगर किस्मत रहेगी तो दिखेगा। अभी फोटो सेशन वगैरह कराया है भाई ने, खींच के दिए हमारी फोटो और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। ये ऐसी सीढ़ी है चढ़ना है हमको और छोटा सा ग्रोटो बना है, पर ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है जो आपको सामने दिख रही है, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन इससे ज़्यादा ऊपर है। यहाँ पर बहुत बड़ा त्यौहार भी होता है, यहाँ से चल रहे हैं हम धीरे धीरे ऊपर, मम्मी सबसे सामने हमको लीड कर रही है मम्मी। और ये छोटा सा ग्रोटो बना हुआ है और ये इसका डिस्क्रिप्शन, छोटा सा ग्रोटो बना हुआ है। ग्रोटो के ऊपर सब कुछ क्रॉस बना हुआ है, और यहाँ से व्यू, जोरदार व्यू, और उधर साइड नीचे खड़ी हुई हमारी कार एकदम नीचे, जोरदार व्यू है एकदम ऑसम। अभी अब हमारा वे ऑफ द क्रॉस चालू करेंगे, ये फर्स्ट स्टेशन। पापियों का मन फिराने के लिए, धर्म में ढलाई करने वालों को उत्साहित करने और भले लोगों को पवित्र करने का बड़ा लाभदायक उपाय है। क्रूस के रास्ते के समय हम मन ही मन यीशु के साथ कलवारी पहाड़ की शोकमय यात्रा करते हैं। चलते चलते और देखते देखते हम अपने हृदय में प्रेम और धन्यवाद का भाव उत्पन्न करें। शुरू करने से पहले सारे हृदय से पछतावे की विनती बोलिए। इस पर भी विचार कीजिए कि किसके लिए दंड मोचन करना चाहते हैं, अपने लिए या शोधित अग्नि की आत्माओं के लिए। पहला स्थान, यीशु को प्रांडन की आज्ञा मिलती है, हम तेरी आराधना करते हैं और हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, इसलिए कि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राणदंड की आज्ञा देता है। प्रार्थना, हे पूज्य यीशु, मुझे प्राणदंड दिलाना
पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ, तू अपनी इस दुखमय यात्रा के पुण्य फलों के द्वारा जो यात्रा स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ उसमें मुझे सहायता दे। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं तुझे फिर कभी अलग न हो जाऊँ पर तुझे सदा प्यार करूँ। अब जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा स्वर्ग है, हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। इसलिए कि दुनिया अपने पवित्र क्रूस के द्वारा परमेश्वर की परम भक्तियों की और हमारे मन के समय हमें सुधा देवी कृष्ण पर दया कर आत्माएं परमेश्वर की दया से करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। इसलिए कि दुनिया अपने पवित्र उसके द्वारा दुनिया को बचाया। उस दुख में मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई, उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी जो उनके प्रेम में हृदय को छेदती थी। प्रार्थना, हे मधुर यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तुझे इस भेंट में उठाना पड़ा, मेरे हृदय मैं तेरी पवित्र माँ के प्रति सच्ची भक्ति डाल दे, और तू मेरी रानी जो दुख सागर में डूबी थी, मुझे यह कृपा दिला कि मैं तेरे नित्य तेरे पुत्र के दुखों की याद करूं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, नाम पवित्र किया जाए। अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यह देखकर कि यीशु मरने पर है, यहूदियों को का चेहरा पोछती है, हम तेरी आराधना करते हैं क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। एक धन्य स्त्री जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कहते हैं हम तेरी आराधना कहते हैं। तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। इसके कारण इस सिर और अंगों की पीड़ा बढ़ती जाती थी। यह स्त्री यीशु को लहू लुहान देख कर दया से भर आई और उन्हें और कलपने लगी, पर यीशु ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो पर अपने और अपने बालों के लिए रो। हे शोक से भरे यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ,
इनके द्वारा मैंने केवल नरक के योग्य बन गई, परंतु तुझे अप्रसन्न किया है, जबकि तू मुझे इतना प्यार किया। नरक और विशेष करके तेरे प्रेम के स्मरण करते हुए मैं अपने पापों के कारण रोती हूँ। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण पर दया कर, समर्थ विश्वास किया हमारे परमेश्वर के दया से शांति में निवास करे हमें। स्वर्ग में है वैसे सुख की प्राप्ति पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का भोजन और हमारे अपराधों को क्षमा कर दे, हे संत अपनी प्राण को क्षमा कर दे और हमको बख्श। अभी धीरे धीरे पहाड़ पूरा प्रेयर करते करते ऊपर चढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पहाड़ पूरा चढ़ाव वाला होते जाना है, पर बारिश के वजह से रास्ते अच्छे हो गए हैं। अभी हमको एक जंगली खरगोश दिखा था पर हमने इसका वीडियो नहीं ले पाए थे। बहुत सारे छोटे छोटे जानवर दिख रहे हैं पर वीडियो ले नहीं पा रहे, पर जो भी दिख रहा है बैकग्राउंड वगैरह कमेंट करके बताइए कैसी क्वालिटी आ रही है। लगता है क्वालिटी तो बहुत ज़ोरदार आ रही है। हम तेरी आराधना करते हैं इसलिए कि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी। पहली बार पहाड़ का एक्सपीरियंस करते हुए प्रेयर करते हुए जा रहे हैं तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है स्टेशंस। और हिरन वगैरह रहते ना, हिरन कहते अब भी पीछे करके वही उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं इसलिए कि तूने अपने बचाया। सिपाहियों ने यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्ट, और तुझे धन्य कहते हैं इसलिए कि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। वह अपने हे संत माता बेंती सुन ले, यीशु क्रिस्त के यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं इसलिए कि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। क्रूस मरण संकट के असहाय कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाते और मर जाते हैं। हे मरते हुए यीशु, जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मर गया उसको मैं बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। अपने पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरा मरण मेरा आसरा है। अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरी पाँव की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊँ। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। ऊपर से उतारे जाते हैं। हम तेरी और तुझे धन्य कहते हैं इसलिए कि तूने अपने पवित्र उसके द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु के मरने के पीछे दो चेले यूसुफ और निकोदीम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। अभी 13 स्टेशन कंप्लीट हो चुका है, अभी 14 स्टेशन के लिए एकदम पहाड़ के एकदम ऊपर आ चुके हैं हम लोग। और ये चढ़ाई है, चढ़ाई आपको समझ में नहीं आ रही होगी, दोनों चल रहे हैं, आपको चढ़ाई समझ में आ रही होगी। अभी जब तक मैं जीता रहूंगा। इसे कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं इसलिए कि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। चेले लोग क्रूस पर 5 घाव पाए हैं, उनके द्वारा मुझे अपने दास को जिसे अपने अनमोल लहू द्वारा बचाया सहायता दे। हे यीशु, कहाँ
कहाँ तक तूने मुझे प्यार नहीं किया, मेरे प्रेम के कारण तू क्रूस पर मर गया, मुझको बचा, हे मनुष्य जाति के मुक्तिदाता। अभी एकदम टॉप पे आ चुके हैं हम लोग, मस्त फोटो सेशन वगैरह कर लिया है, बढ़िया। और ये है मेन क्रॉस जहाँ आने वाले थे हम लोग। ये पहाड़ को बोलते हैं हम बुट्टी बोरी पादरी थाना, नाम बोला अजीब है, पर ये बहुत सालों से आ रहे हैं हम, बचपन से आ रहे हैं। जब मैं छोटा था एकदम, यानी जब मैं बॉर्न हुआ था, तो डैडी मम्मी ने मुझे पैदल पैदल यहाँ तक लाए थे। यानी जहाँ से हम आए हैं बुट्टी बोरी, एक बुट्टी बोरी स्टेशन से यहाँ तक पैदल पैदल आए थे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं यहाँ पर, और आप जैसे देख रहे हैं पूरा जंगल। वो शनि मंदिर है, इधर क्या शनि मंदिर है, पूरा जंगल शनि मंदिर, आजू बाजू पूरा जंगल है। यहाँ मिस्सा होता था पहला, खड़े है बढ़िया। सुनो ना, बॉटल लाना ना। ये खेती है, अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ का इसके पीछे में रामाडान पहाड़ के पीछे ये लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ हम एकदम टॉप में खड़े हुए हैं यहाँ पर। पूरा नजारा, पूरा जंगल ही जंगल। इधर लोग स्टैचू के पास ही आके जा रहे नहीं, अभी क्रॉस हमारे पीछे है, और हम लोग आए हैं इधर साइड पहाड़ के इधर साइड में। और हमको जेरोम भी बता रहे हैं कि शेर यहाँ से आना जाना करता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो आप सीधा देख रहे हो वो है वहाँ पर उमरेड का जंगल लग जाता है उधर साइड। तो यहाँ पर पूरा शेर और हिरन वगैरह, अभी हमने क्या देखे, एक हिरन देखे। तो और ये जो पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ पर भी एक छोटा सा तालाब है, यहाँ पर ऐसे आना जाना करते हैं, पूरा जंगल ही है। तो बात ऐसी है, फिर नीचे उतर रहे हैं हम लोग, पहाड़ ऊपर रह गया, टॉप पे गए थे, धीरे 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 करके नीचे उतरते हैं। जो कितने ऊपर चढ़ गए थे हम लोग, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगता है। डैडी ने मस्त लगाया है अभी गाना, और मम्मी का हाथ पकड़ के मस्त जा रहे हैं। नंबर और हम लोग यहाँ डैडी को पोज बताते हुए, और डैडी लोग जा रहे हैं ऐसे।
हम गए थे वो पहाड़ के ऊपर क्रॉस पर, कर यहाँ से इतना नीचे आ चुके हैं और ये मैडम हमको छोड़ छोड़ के जा रही है नीचे। नीचे आ गए, आइए आपका इंतजार ही था। एनर्जी फुल ऑन। अभी जाएंगे यहाँ पर जो चर्च है वहाँ पर मास सुनेंगे, पहले कुछ खाएंगे क्योंकि सबने चाय एंड पाव खाए पर मैंने कुछ नहीं खाई है। इसका आज वर्कआउट हो गया है, खाली पेट बढ़िया एकदम मर ऊपर चढ़कर। अभी आ गए हैं फुल डाउन और इतने ऊपर गए थे हम लोग। इधर अच्छा लग रहा है, इधर गर्म लग रहा था बहुत ऊपर में। बचाने आए ना तुम लोग, पार्क के पास आ चुके हैं सबके सब और अभी चलते हैं। चलो चर्च। अभी पहाड़ से आ गए हम लोग नीचे और अभी करते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। और ये मैडम खुश है क्योंकि यहाँ पर है भजिया समोसा और पोहा, तो खाते हैं पोहा देना है बाबा, खाते हैं और फिर चलते हैं। लिए भजिया पोहा और सब बैठ के खा रहे हैं बढ़िया मस्त एकदम झाड़ के नीचे छोटे से बनाए, मज़ा ही कुछ और है यहाँ पर। अभी पहाड़ से तो नीचे आ गए थे और अभी आए हैं यहाँ पर, ये जो गांव है मुट्टीगोरी पादरी थाना के, ये ब्यूटीफुल से चर्च में आए हैं यहाँ पर। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चर्च है, होली फैमिली चर्च नाम है इसका। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर चर्च में आए थे हम लोग, अभी मास वास सुने हैं और अभी कैटेगरी क्लास चल रहा है पूरा। अभी कितना सुंदर चर्च है, पीछे है हमारे एक ब्यूटीफुल सा चर्च, यहाँ से आए थे हम लोग और इधर साइड है पूरा गांव मुट्टीगोरी पादरी थाना गांव। और बैठे हम यहाँ पर और अभी यहाँ से सीधा आपको हम घर पे मिलेंगे, तो मिलते हैं आपको सीधा। आ गए घर वापस सब एकदम थके मांदे और आज है नर्स डे और मदर्स डे भी। तो आपने व्लॉग तो देखी लगूंगा कितना मस्त दिख रहा था जंगल वगैरह। और अभी करते हैं लंच की तैयारी और मिलते हैं आपको फिर लंच के बाद। मौसम ने ले लिया है करवट और हम सो के उठ चुके हैं, बहुत ऑरेंज अलर्ट दिया है 2 दिन के लिए, कुछ ऐसा वेदर हो चुका है लखनऊ का भी। एक दिन की झुलसने वाली गर्मी के बाद अभी इतना भयानक मौसम हो चुका है, तो ऐसे मौसम में चाय पीना तो बनता है। तो चलते हैं, पानी वानी भर लिए हैं और चलते हैं अभी चाय पीने के लिए। बढ़िया, मेरी वाइफ तो गई है जॉब पर, तो हम चलते हैं चाय पीने। अभी खा रहे हैं हम हमारा डिनर, फिश जो लाए थे हम लोग आते थे, खाते हैं और सीधा रेस्ट करते हैं अभी।